नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर सेंसर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एंड्रेस होजर का एक टेम्परेचर कंट्रोलर रखा है। हम इसको कन्फिगर करेंगे। हमारा एक RTD है, 2 बार RTD, इसके साथ इसको कन्फिगर करना बताएंगे आपको। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। पहले हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने 2 वायर का कनेक्शन कर दिया है टर्मिनल नंबर 15 में और 18 में। ये मेरा नंबर टर्मिनल नंबर 15 है राइट में, और लेफ्ट में मेरा 18 नंबर टर्मिनल है। ये मेरा 2 वायर का RTD है, देख सकते हैं आप। 2 वायर का 2 पोर्ट डबल डुअल पोर्ट RTD है। अब दोस्तों, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा कंट्रोलर है, उसमें सबसे पहले हम लोग इंटर बटन दबाएंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको। अब आएगा इसमें डिस्प्ले, तो हम लोग डिस्प्ले में नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट मेनू पे जाएंगे। नेक्स्ट आएगा मेरा सेटअप। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटअप दिखाया है। सेटअप में मैं इंटर करूंगा। सेटअप में हम लोग जो RTD ले रहे हैं, RTD एक्चुअल दोस्तों एनालॉग टाइप का इनपुट होता है। दोस्तों, हम लोग एनालॉग इनपुट के रूप में इंटर करेंगे। आप देख रहे हैं करंट का वैल्यू दिखा रहा है सिग्नल टाइप, तो करंट ना लेके हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसको हम वोल्टेज नहीं, नेक्स्ट RTD हम लोग इंटर करेंगे। RTD में इंटर मांग रहा है PT100 3 बार 2 बार। तो दोस्तों, हम लोग 3 बार वाले पे इंटर करेंगे। 3 बार वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार में इंटर कर देंगे। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें 2 बार दिखाया है, इसको आपको समीप में ला कर दिखा रहा हूँ। 2 बार RTD में दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे हैं फाल्ट दिखा रहा है, मैं ऐसे ही इंटर करूँगा इसको, ठीक है। तो देखिए, ग्रीन हो गया मेरा। अब मैं मेन मेनू पे दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको फाल्ट दिख रहा था दोस्तों, वहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना टेम्परेचर हम लोगों को दिखा रहा है। अभी हम लोग रूम टेम्परेचर देखते हैं कितना है अभी हमारे यहाँ का। अभी मैं इसको एग्जिट करती हुई मेन मेनू पे जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं मेन मेनू पे जा रहा हूँ। देखिए, मैं मेन मेनू पहुँचा। अभी देख सकते हैं आप कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, 29.75। दोस्तों, अभी देखिए मैं इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। अब मैं इसको पकड़ के दिखा रहा हूँ आपको, मैं हाथ से किया हूँ। मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो अभी राइज कर रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर राइज करने पे आप देखेंगे इसका टेम्परेचर भी कंट्रोलर में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आप RMA42 जो कि एक इंडस होसर का कंट्रोलर है, उसमें 2 बार RTD का कन्फिगेशन इस टाइप से कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें और एनालॉग इनपुट भी दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया था, आप उस तरह से भी आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है आप इसको रिले आउटपुट के लिए भी ले सकते हैं, इसमें रिले आउटपुट का ऑप्शन भी है। हम लोग इसके रिले आउटपुट के लिए इसको कन्फिगर करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिले आउटपुट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा था, हम लोगों ने 2 वायर RTD कनेक्शन करके उसका कॉन्फ़िगरेशन किया था। अब हम जानेंगे इसका रिले आउटपुट कैसे सेट करते हैं। दोस्तों, दोबारा हम इंटर बटन को करेंगे, इंटर करेंगे, इसके बाद हम लोग दोबारा सेटअप पे जाएंगे। एनालॉग सेटअप को नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कैलकुलेशन वैल्यू को भी नहीं करेंगे, एनालॉग आउटपुट को भी नहीं लेना। अब हमको क्या लेना है, रिले आउटपुट। रिले आउटपुट बन क्या है, अभी असाइनमेंट करना है। एनालॉग इनपुट हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने RTD कॉन्फ़िगरेशन किया, इसमें इंटर करेंगे। एनालॉग इनपुट जो हमारा है उसमें भी इंटर करेंगे। अब फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम डालेंगे, दोस्तों देखिए, अब मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेंगे, सेट पॉइंट डालेंगे उसका, देख रहे हैं हम लोग। अभी सेट पॉइंट डालेंगे, मैक्सिमम सेट पॉइंट में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों, ये प्लस का साइन है, आप देख रहे हैं राइट साइड में। इसके बाद मैं इंटर करूँगा, नेक्स्ट कर्सर आगे चला जाएगा। इसके बाद मैं इसको कितना करूँगा, मेरे को 80 डिग्री टेम्परेचर पे इसको दोस्तों सेट करना है। मैक्सिमम अगर मेरा 80 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो ये मेरा स्विच करा जाए, जिससे कि मेरा इक्विपमेंट हेल्दी रहे। ये मैंने 8 आ गया दोस्तों। अब मैं कर्सर को आगे ले जाऊंगा, ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट को भी अब मैं क्या करूंगा, 0 में कन्वर्ट करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 0 हो गया। अब क्या करूंगा, ये पॉइंट, ये अभी कितना दिखा रहा है, 80,000, लेकिन अभी इससे मैं क्या करूंगा, इसमें पॉइंट लगा दूंगा आगे 4-5। ऐसा देख रहे हैं, मेरा 80 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने इसको रिले आउटपुट 1 को सेट किया। ये मेरा रिले आउटपुट, और ये 2 नंबर का रिले आउटपुट है, ये 1 नंबर का रिले आउटपुट है, ठीक है। ये अभी देख रहे हैं, अभी देखते हैं मैं इसको इंटर करूंगा तो क्या हेल्दी होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, देखिए मेरा रिले आउटपुट नंबर 1 आने लगा दोस्तों। अब क्या होगा, अगर मेरा टेम्परेचर
सेट पॉइंट 80, जैसा कि देख रहे हैं आप, 80 डिग्री देख रहे हैं आप, इस पे जाएगा। इससे अगर एबव जाता है तो मेरा क्या है, ये रिले आउटपुट नहीं देगा। जैसा कि अभी आउटपुट देख रहे हैं ये, तो मैं हेल्दी कंडीशन में इसको कितना लिया हूँ, 80 डिग्री पे मेरा हाई आउटपुट आएगा। तो दोस्तों, आप जैसा कि आपने देख लिया टोटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो मैं समझ पाऊँगा कि आप, अगर आपको कोई इंद्रेस हासर का या कोई दूसरा कंट्रोलर मिल जाए तो आपका भी उसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। अब मैं इसको एग्जिट करके वही सेम वापस उसी में चल जाऊँगा। मेरे लिए आउटपुट बंद था। इसमें और भी बाकी फीचर्स दिए गए दोस्तों। अभी मेरे को आपको केवल एनालॉग इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन करना और रिले आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन करना बताया था। जैसा ही देख रहे हैं अभी मेरा 29 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। अब इसको मैं फील्ड में लगाऊंगा और DRIT के साथ कनेक्ट करने के बाद देखूंगा कि मेरा जो इक्विपमेंट लगा अगर उसका टेम्परेचर 80 से ऊपर जाएगा, स्विच करता है कि नहीं करता है। अच्छा, तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।